अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ फ्रेंड दाल पीठा बनाने के लिए। दाल पीठा एक इजी रेसिपी है, बहुत ही इजी। अगर आपको खाना बनाने का मन ना हो, बिल्कुल चावल बनाने सब्जी बनाने में झंझट लग रही है, तो बहुत इजी। दाल फुलाए और आटा साने और दाल पीठा बना ले। तो कल चले किस तरह से मैं बनाई हूँ, चले वीडियो को स्टार्ट करते। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने दाल फुला लिया है। आपको जो भी दाल पसंद हो आप वो दाल ले ले। मैंने मूंग मसूर लिया है, आप चने का भी दाल डाल सकते हैं, उड़ीद दाल भी, जो भी दाल आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकती हैं आराम से। तो मैंने मसाले में देखिए तेल डाला है पैन में, और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है फ्रेंड, और इसके बाद मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले जाएंगे, हल्दी, जीरा, गुल मिर्च, ये सब मैंने डालना है उसमें। थोड़े गरम मसाले भी हल्का सा डालना, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड, और डालने के बाद अच्छा, और उसके साथ नमक भी डाले। आप अब चाहे तो अभी डालें, या तो फिर दाल के साथ बाद में डाल सकते हैं, आप अपने अनुसार डालें नमक। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं फ्रेंड, और इसके तरह मैं इसको ऑयल में अच्छी तरह से भून लूँगी। जब तक इसे ये तेल ऑयल ना छोड़े इसका, तो मैं इसे भूनती रहूँगी, मसाले से अच्छी खुशबू आने लगे फ्रेंड। तो बस उसी के बाद आप फौरन इसमें अच्छी खुशबू होने देखिए, इस तरह से बस इसमें फौरन आप डाल दें दाल। मैंने इसमें दाल डाल दिया, और दाल डाल के भी अच्छी तरह से इसे भुनाई करना है थोड़े देर, 5 मिनट तक इसको भूने आप मसाले में फ्रेंड। तो इस तरह से भूनना है फ्रेंड आपको। देखिए भूनने के बाद देखिए मेरा दाल गल चुका है। मैं इसमें ढक्कन लगाई थी 10 मिनट के लिए, उसके बाद मेरा दाल पूरा गल चुका है। देखिए इस तरह से मैंने गला लिया है, और उसके बाद तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं इसका तड़का लगाने जा रही हूँ फ्रेंड। तो मैंने प्याज ऑयल में फ्राई करने को दिया, इस तरह से क्वांटिटी में लाल हो जाए। तो बस दाल तैयार है, दाल में आप तड़का लगा दें फ्रेंड। तड़का लग गया है आराम से। अब उसके बाद चलिए मैं आटा का, आटा आप जैसे घर में रोटी बनाने को सानते हैं उसी तरह आप आटा सान लें, और एक टिक्की लेके उसको बेल लें, और आपको और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो देखिए मैं यहाँ बेल रही हूँ, इसी तरह बेल के मैं इसे बड़ा कर लूँगी, और छोटे छोटे पीसेस में इसे कट देना है। मैं छोटे छोटे चौकोर पीसेस में मैं इसे कट दी हूँ। तो इसी तरह सेब बना ले, और अगर आपको कोई और सेब पसंद है तो वो बना ले, ये नहीं पसंद है तो बहुत सारी सेब होती है आटा का, तो आप वो बना सकते हैं अपने मर्जी मुताबिक जो आपको पसंद है। तो मैंने इस तरह से सेब बनाया है, और उसको थोड़ा सा उसका 3-2 मुंह लेके एक जगह ज्वाइन कर दिया है, कॉर्नर लेके इस तरह से फ्रेंड। तो ऐसे कॉर्नर लेके सेव कर दे तो एक अच्छा डिज़ाइन आ जाएगा। तो इसी तरह मैंने बना लिया है फ्रेंड। अब ये हो गया है, अब ये तो तैयार है फ्रेंड। तो अब चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से अब इस ये दाल में डलेगा, तो मैं चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड यहाँ मैंने दाल को चढ़ाए हैं, दाल एकदम खौटने जब लगे, पूरी अच्छी तरह से बॉईल होने पर रहे, तो उसी समय इसको डाल देना है, और अच्छी तरह से हिलाते रहना, अच्छा खासा 10 मिनट तक इसको उबाल आने तक हिलाते रहना। देखिए ये उबाल आ रही है, इसमें मैंने 10 मिनट तक इसे पकाया है, उसे डालने के बाद 10 मिनट तक पक गया फ्रेंड। और देखिए यहाँ तैयार है मेरा दाल पीठा। तो आप ज़रूर से लंच में बनाएं, आराम से बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। अल्लाह हाफिज़। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।